सीमा पर भारत और चीन की सेनाएं जमी हुई हैं, न भारत पीछे हट रहा है और न चीन। भारत अपने रुख पर कायम है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत और चीन के बीच तनाव हुआ है। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं। इस बार बाबा रामदेव ने एक उपाय बताया है। रामदेव का दावा है कि अगर वो उपाय किया गया तो चीन नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाएगा। दरअसल योग गुरु और पतंजलि के प्रोडक्ट से भारतीय बाजार पर छाए हुए बाबा रामदेव ने बाजार को ही चीन के खिलाफ हथियार बनाने की सलाह दी है। रामदेव ने कहा कि अगर हम चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दें तो चीन को भारत के सामने झुकना होगा और नाक रगड़ने पर मजबूर होना होगा। रामदेव का दावा है कि ऐसा हुआ तो चीन निश्चित तौर पर अपने कदम पीछे खींच लेगा। ऐसा नहीं है कि चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार का आह्वान करने वाले रामदेव पहले शख्स हैं। पाकिस्तान से चीन की नजदीकियां और चीन के साथ हमारी तनातनी के बीच अक्सर कई संगठन चीनी सामान के बहिष्कार के लिए मुहिम चलाते दिखते हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि बाबा रामदेव जैसे मशहूर लोगों की तरफ से खुलकर ऐसी टिप्पणी कम ही देखने को मिलती है। आपको बता दें कि चीन के सबसे बड़े व्यावसायिक साझेदारों में से भारत एक है। चीन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा भारत को किए गए निर्यात पर निर्भर करता है। साल 2016 में चीन ने भारत को 58.33 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया था, जबकि भारत की तरफ से चीन को निर्यात किए जाने वाले सामान की कीमत महज 11.76 बिलियन डॉलर थी। इस तरह चीन की तरफ से भारत ने 5 गुनी कीमत का माल आयात किया। टीम इंडलिंग्स।